बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहां। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज बैक्टेरियोफेज। सो इन दिस लेक्चर वीडियो वी विल डिस्कस बैक्टेरियोफेज इन डिटेल इंशाल्लाह। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द स्लाइड जिसमें मैंने आपके साथ कंटेंट ऑफ द टॉपिक शेयर किया, सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए कि आज का जो टॉपिक हमने पढ़ना है बैक्टेरियोफेज, उसके रिलेटेड हमने किन पॉइंट्स को रीड आउट करना है। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बैक्टेरियोफेजेस का इंट्रोडक्शन क्या है। फिर हम उनकी सिमेट्री डिस्कस करेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ बैक्टेरियोफेजेस क्या है। जैसे कि उनकी सिमेट्री आपकी बुक में शेयर है कि क्यूबिकल सिमेट्री होती है एंड अदर वन इज हेलिकल सिमेट्री। तो इन दोनों सिमेट्रीज की क्या डिटेल है वो शेयर करूंगी आज की लेक्चर वीडियो में। फिर हम बैक्टेरियोफेजेस के डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। आज की बैक्टेरियोफेजेस का जो स्ट्रक्चर है जिसमें दो पार्ट आ जाते हैं, नंबर वन हेड एंड अदर वन इज टेल। हेड की क्या कंपोजिशन है, टेल की क्या कंपोजिशन है, उनका क्या फंक्शन है, उनका क्या रोल है, वो सारी डिटेल मैं आपके साथ आज की लेक्चर वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। सो आई होप आपको थोड़ा सा डिवेलप होगा आइडिया कि हमने इस टॉपिक के रिलेटेड क्या डिटेल पढ़नी है। चले मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। दिस इज द मेन स्लाइड जिसमें हमने आज का टॉपिक स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप लफज बैक्टेरियोफेज को समझें। देखिए, अगर तो आपको ये लग रहा है कि हम बैक्टीरिया को पढ़ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैक्टेरियोफेजेस एक्चुअली वायरसेस ही होते हैं। अब वो कौन से वायरसेस होते हैं और इनको बैक्टेरियोफेजेस क्यों कहते हैं वो मैं आपके साथ जरा से डिटेल शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप इस लफ्ज़ को समझें। देखिए, बैक्टेरियो मीन बैक्टेरिया एंड फेजेस मीन ईटिंग। मतलब कि ये ऐसे वायरसेज होते हैं बैक्टेरियोफेजेस जो बैक्टेरिया को ईट करते हैं। अब यहाँ एक और चीज़ समझें कि ईट कैसे करते हैं। क्या ये अपना मुँह खोलते हैं और बैक्टेरिया को इंगल्फ कर लेते हैं, ऐसे वायरसेज होते हैं? नो, ये ऐसे वायरसेज नहीं होते। बल्कि ईटिंग का मतलब ये होता है कि ये जो वायरसेस हैं ये बैक्टीरिया की एज अ होस्ट इस्तेमाल करते हुए उनकी बॉडी में जाके उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनकी बिल्कुल मशीनरी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनके फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो यही वजह है कि हम इनको बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं और होते ये बेसिकली वायरसेस ही हैं। क्लियर है? अब पहला पॉइंट देखते हैं, उसमें मैंने आपके साथ बैक्टीरियोफेजेस की कुछ सिमेट्री डिस्कस करनी है। देखिए, अगर इनकी सिमेट्री की बात करें तो कहते हैं इनकी स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट शक्लों की ये जो है बैक्टीरियोफेजेस होते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपके साथ शेप डिस्कस करूँ तो कहते हैं इसकी सिमेट्री में पहली सिमेट्री इसकी देखी गई वो ये होती है कि ये क्यूबिकल सिमेट्री रखते हैं। अब क्यूबिकल सिमेट्री कैसे होती है, कहते हैं कि क्यूबिकल सिमेट्री होती है कि ये रेगुलर, सॉलिड और आइसोसेहेड्रल होती है। आइसोसेहेड्रल का मतलब कि हैविंग 20 फेसेस, कि ये ऐसी शेप होती है बैक्टेरियोफेजेस की जिनकी 20 फेसेस होते हैं। क्लियर है? एंड नेक्स्ट जो आपकी बुक में मेंशन है हेलिकल सिमेट्री, उसकी ऐसी शेप होती है कि जो हेलिकल फेजेस होते हैं जिनको हेलिकल बैक्टेरियोफेजेस भी बोल सकते हैं, उनकी शेप जो होती है वो रॉड शेप्ड बैक्टेरियोफेजेस होते हैं। आई होप आपको इनकी सिमेट्री क्लियर होगी होगी। दो किस्म की सिमेट्री थी, क्लियर है, जिसमें एक सिमेट्री जिसकी 20 फेजेस होती हैं, दूसरी जो सिमेट्री है हेलिकल उनकी शेप जो होती है वो रॉड शेप होती है। उसके बाद मेंशन है, कहते हैं कि बहुत सारे फेजेस की एक्चुअली दो ही स्ट्रक्चर होते हैं, एक को हेड कहते हैं और दूसरे को टेल कहते हैं। मतलब फेजेस का मतलब आप समझ लें, मैंने फेजेस का मतलब बैक्टेरियो फेजेस की बात हो रही है। तो कहते हैं बहुत सारे फेजेस की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उनके स्ट्रक्चर में हेड और टेल आ जाते हैं। अब अगर हम हेड की शेप की बात करें तो वो पॉलीहेड्रल होती हैं। पॉलीहेड्रल मीन्स के हैविंग डिफरेंट साइड्स, उनकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, मुख्तलिफ उनकी किनारे बने होते हैं, मुख्तलिफ उनकी साइड्स होती हैं। वो मैं आपके साथ जब इनका स्ट्रक्चर शेयर करूँगी तो मैं आपके साथ दिखाऊंगी भी इनकी कैसे शेप्स होती हैं, कैसे डिफरेंट साइड्स के जो है वो हेड होता है। उसके साथ साथ टेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो कहते हैं कि बैक्टेरियोफेजेस की टेल की बात करें तो वो रोड शेप टेल होती है। ये तो एक छोटी सी जनरल इन्फॉर्मेशन थी, इसके डिटेल जब हम इन टॉपिक में रीड आउट करेंगे तो मैं आपके साथ इनका स्ट्रक्चर मज़ीद अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूँगी। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और उसमें मैंने आपके साथ कुछ थोड़ी सी डिटेल शेयर करनी है, फिर उसके बाद हम इनके स्ट्रक्चर को डिटेल से स्टडी करेंगे। कहते हैं कि अगर हम पुरानी रिसर्चेस की बात करें तो अर्ली रिसर्चेस ये कहती हैं कि जो बैक्टेरियोफेजेस होते हैं वो एक तो लिमिटेड नंबर के होते हैं। लिमिटेड नंबर मतलब बैक्टेरियोफेजेस के कुछ लिमिटेड नंबर्स हैं, वही लिमिटेड बैक्टेरियोफेजेस जो हैं, बैक्टेरिया जो जिसका नाम आपकी बुक में ई कोलाई मेंशन है कि मतलब वो एस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई जिसको बोलते हैं उस पे जाके वो उनको इन्फेक्ट करते हैं। क्लियर है? अब वो कहते हैं कि लिमिटेड नंबर है, दैट मीन्स कि बैक्टेरियोफेजेस के टी फेजेस भी कहते हैं। मतलब इनकी टी फोर टाइप्स होती हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के फेजेस होते हैं। क्लियर है? जो कि बैक्टेरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अब वो कहते हैं कि उन टी फेजेस में भी, मतलब उन टाइप्स में भी, उन टाइप्स ऑफ बैक्टेरियोफेजेस में से भी टी टू और टी फेजेस जो हैं वो कुछ कॉमनली स्टडी करते हैं आजकल हम, और उनमें से भी वो आगे कहते हैं कि जो टी फोर बैक्टेरियोफेज है ना, उनको हम अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे उनका स्ट्रक्चर देखें तो हमें ऐसा नजर आता है कि वो टेडपोल शेप स्ट्रक्चर है और उनमें दो स्ट्रक्चर हैं बेसिकली, एक हेड और दूसरी टेल है। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट जो मैं आपके साथ स्ट्रक्चर शेयर करूंगी ना बैक्टेरियोफेज का, एक्चुअली वो टी फोर बैक्टेरियोफेज का ही स्ट्रक्चर है।
क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक की डिटेल समझ आ गई होगी कि टी फॉर टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। उन टी फॉर डिफरेंट टाइप्स में से भी टी टू और टी फोर जो है वो कॉमनली स्टडी करते हैं। और टी फोर का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा तो उनमें हेड और टेल होता है, जो मैंने आपके साथ मजीद शेयर करना है नेक्स्ट। चलें जी, यहाँ हमें हेड देखना है और ये हेड और टेल वाला स्ट्रक्चर समझाने से सबसे पहले मैं आपको यहाँ डायग्राम यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ, सो दैट कि आपको डायग्राम समझ आ जाएगी, तो फिर मैं जब आपको इनकी वर्डिंग समझाऊंगी मजीद क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसकी हेड की बात करें तो आप इसकी हेड देख लें, इसकी हेड के ना 6 आपको साइड्स नज़र आ रही होंगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एजेस हैं, इसी वजह से हम इनको हेक्सागोनल शेप्ड हेड बोलते हैं, कि मतलब कि बैक्टीरियोफेज का जो हेड है उसको हम हेक्सागोनल शेप्ड हेड बोलते हैं, क्योंकि इनके 6 जो हैं वो कॉर्नर साइज होती हैं, साइड्स होती हैं। खैर अब नेक्स्ट आप इसमें कुछ ये देख सकते हैं डिफरेंट, अब उस जो बाहर हेड है उसमें भी डिफरेंट पोर्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पीछे कैप्सोमेयर पढ़ा था, हमने कहा था जो कैप्सिड होता है, जो हेड का कैप्सिड होता है उसमें डिफरेंट प्रोटीन यूनिट्स होते हैं जिसको कैप्सोमेयर कहते हैं। तो ये कैप्सोमेयर है, आपने कन्फ्यूज नहीं होना। क्लियर, तो ये हेड है और उसके ऊपर कैप्सोमेयर का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है और उस हेड के अंदर आपको ये डीएनए नज़र आ रहा होगा। हमने याद करने पीछे मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर सेंटर में इनका जीनोम या फिर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। अब इसमें डीएनए नज़र आ रहा है आपको, बैक्टीरियोफेज की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस है जिसके अंदर डीएनए एज अ न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। कुछ में मैंने आपको कहा था आरएनए भी एज अ न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है उनके जेनेटिक मटेरियल में। क्लियर है, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी कि कैप्सिड हेड है, अंदर न्यूक्लिक एसिड में डीएनए मौजूद है, हेड हो गया। उसके साथ नीचे आप स्ट्रक्चर देखें, ये जो आपको थोड़ा ग्रेश पोर्शन नज़र आ रहा है ये कॉलर है इसका, इसके शेप में नेक्स्ट शेप की बात करें तो वो कॉलर है। कॉलर के साथ नीचे आप आ जाएं, इसको शीथ बोलते हैं। और अगर मैं इसकी शीथ की कंपोजिशन की बात करूँ तो ये जो शीथ है बेटा ये प्रोटीन की बनी होती है। और कौन सी प्रोटीन की बनी होती है? स्पेशल प्रोटीन होती है जिसको हम कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। उस कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन की बनी हुई शीथ है और इस शीथ के अंदर एक होलो स्ट्रक्चर है। अब अगर आप कॉलर पार्ट देखें तो उसके नीचे एक थोड़ी सी आपको होलो स्ट्रक्चर अंदर जाता हुआ शीथ के अंदर नजर आ रहा है। वो जो होलो स्ट्रक्चर अंदर जाता है उसको हम कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। अब कोर भी समझ आ गई, शीथ भी समझ आ गई, शीथ के ऊपर लगी हुई आपको कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन की भी मैंने कंपोजिशन बता दी। अब आप नीचे आ जाए, नीचे स्ट्रक्चर देखिए, बेस प्लेट, बेस प्लेट, ये आपको प्लेट जो एक चिपटी हुई आपको शेप नज़र आ रही है इसको हम बेस प्लेट बोलते हैं। बेटा बेस प्लेट की बात करें तो इस बेस प्लेट में एक एंजाइम होता है जिसको लाइसोजाइम बोलते हैं। अब लाइसोजाइम का क्या काम है वो जो मैं आपको इसकी वर्किंग पढ़ाऊंगी तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। क्लियर हो गया, कोर हो गया, उसके बाद बेस प्लेट नज़र आ गई जिसके अंदर हमने कहा कि जी एंजाइम मौजूद होते हैं। उसके साथ अब टेल फाइबर्स देख लें। अब जो हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर की तो बेटा उसमें 6 जो है वो टेल फाइबर्स होते हैं। आप काउंट भी कर लें, 3 इधर हैं, 3 इधर, 6 इनके जो है वो टेल फाइबर्स होते हैं। आई होप आपको स्ट्रक्चर जो है वो मैंने डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हम इनको मजीद वर्डिंग में भी हम देख लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर आ जाए। देखिए कहते हैं कि अब हमने सिर्फ हेड की बात करी, बेसिकली ये स्ट्रक्चर तो है लेकिन बैक्टीरियोफेजेस को हम दो ही पार्ट में डिवाइड करते हैं। कहते हैं कि मेजर इनके दो हिस्से ही होते हैं, एक को हेड कहते हैं और दूसरे को हम टेल कहते हैं। तो यहाँ तक जो है वो हेड पोर्शन है और हेड के बाद जितना आपको ये कॉलर शीथ और टेल फाइबर्स और बेस प्लेट नज़र आ रही इसको सब को हम एज अ टेल ही कंसिडर करते हैं। क्लियर, तो बेसिकली इनका दो स्ट्रक्चर ही होते हैं। वापस आते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और लिखा हुआ है, कहते हैं कि द हेड इज़ एन अलोंगेटेड पैरामिडल, पैरामिडल का मतलब 3 ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है। मजीद मैं आपको दिखा दूँ कि जो ट्राइंगुलर है वो 2 ट्राइंगुलर शेप है। आप 1, 2, 3, अब आप एक ट्राइंगल इधर देख सकते हैं और एक ट्राइंगुलर शक्ल जो है स्ट्रक्चर नीचे है। तो कहते हैं कि वापस आ जाए, पैरामिडल का मतलब हैविंग 2 ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर, ऐसा हेड है कि 2 इनके ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है, ऊपर भी 3 और नीचे भी 3। अब ये 3 ऊपर और 3 नीचे एजेस मिलकर 6 टोटल बनाते हैं, यही वजह है कि हम इनको हेक्सागोनल भी बोलते हैं। अगेन प्रिज्म शेप्ड है तो प्रिज्म शेप्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं हेड को। और स्ट्रेट चेन इज अटैच, और उस हेड के साथ एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर अटैच है जिसको हम टेल कहते हैं। उनकी जो नेक्स्ट कंपोजिशन भी मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगी। सो दोबारा मैं एक क्विकली सा ओवरव्यू दे दूंगा, ये कि जी हेड है अलोंगेटेड जो है वो पैरामिडल इनके स्ट्रक्चर होता है, मतलब पैरामिडल मतलब इनके अंदर 2 ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर मौजूद होता है, एक ऊपर एक नीचे, मैंने आपको दिखा दिया। वो मिलके जो है वो 6 एजेस बनाते हैं, इसलिए हम हेड को हेक्सागोनल शेप्ड भी बोलते हैं, प्रिज्म शेप्ड भी स्ट्रक्चर होता है और इसके साथ एक टेल स्ट्रेट चेन अटैच है जिसको हम टेल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि विद इन द हेड, अब उस हेड के अंदर मैंने आपको जेनेटिक मटीरियल नजर आ गया, जो हमने बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटीरियल देखा कि उसमें न्यूक्लिक एसिड में डीएनए मौजूद होते हैं। क्लियर है, हेड का कंपोजिशन भी क्लियर आ गई, सारी डिटेल क्लियर होगी, आपने डायग्राम भी देख लिया कि हेड है उसके अंदर आपने न्यूक्लिक एसिड जो कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल वो भी देख लिया। अब हमने टेल की जो है वो डिटेल पढ़नी है, अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देख लें टेल
कहते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ एज टेल इज कम्प्लेक्स देन हेड, कि अगर हम बात करें हेड के नहीं बट टेल का स्ट्रक्चर ज़रा कम्प्लेक्स है. कम्प्लेक्स क्या कहते हैं कि इनमें काफ़ी सारी जो है वो डिटेल आ जाती है, वो इसलिए कि अगर हम टेल की बात करें तो कहते हैं कि उसमें एक कोर होता है. ठीक है, मैंने आपके साथ कोर डिस्कस की जो होलो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से ऊपर जो हेड है ना, हेड ने ऊपर जो, मैं चलिए आपको वापस मजीद एक्सप्लेन कर दूँ, हालांकि ये नेक्स्ट टॉपिक में समझने वाला, जब मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो इसकी लाइफ साइकिल की बताऊँगी तब की ये डिटेल है, लेकिन चलें थोड़ा सा एक आइडिया यहाँ भी ले लें ताकि आपको डायग्राम से याद रहे. कहते हैं कि जो अंदर हेड के अंदर जो जेनेटिक मटीरियल डीएनए ना, अब कोर का काम ये है कि उसने जब इस वायरस ने बैक्टीरिया के सेल वॉल पे जाके अपने आप को अटैचमेंट शो करनी होती है ना, तो ये जो डीएनए है ना, इसने इस कॉलर से कोर में से होते हुए यहाँ जो बेस प्लेट से नीचे यहाँ सिरिंजेस नुमा स्ट्रक्चर होता है, बड़े नोकीली स्ट्रक्चर जिसको सिरिंज बोलते हैं, वहाँ से उन्होंने फिर बैक्टीरियल जो है वो सेल वॉल के अंदर इस डीएनए को इंजेक्ट कर देना होता है. तो कॉलर का मतलब ये होता है कि इन्होंने ये जो कॉन्टेक्टाइल ऊपर प्रोटीन लगी हुई, इन्होंने कॉन्टेक्ट करना होता है, और जो डीएनए है ना यहाँ से इंजेक्ट कर दिया जाता है सिरिंज के जरिए से बैक्टीरिया की सेल वॉल से तक. ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जी प्रोटीन की होती है, कोर होता है, उसके बाद शीट होती है जो कि प्रोटीन की बनी होती है. मैंने आपको स्पेसिफिकली बता भी दिया कि कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन की बनी होती है, उसके बाद कॉलर आ जाता है, और फिर उसमें एंड प्लेट भी लगी होती है. एंड प्लेट की बात करें तो एंड प्लेट के साथ सिक्स जो है वो टेल फाइबर्स अटैच होते हैं, मैंने आपके साथ बता दिया इनके स्ट्रक्चर्स. और यहाँ इनके वॉल्यूम डिस्कस किया हुआ है कि 1 से लेके 1000 जो है वो इनके वॉल्यूम है फेजिस की, जो कि होस्ट में जाके इन्होंने फिर इंजेक्ट करा. जो भी है यहाँ तक की डिटेल यही थी कि बैक्टीरियोफेजेस का स्ट्रक्चर ही हमने आज की लेक्चर वीडियो में एक्चुअली पढ़ा कि बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरिया को इंजेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को हार्म पहुंचाते हैं, उनकी जो डिस्ट्रॉय करते हैं वर्किंग को, इसीलिए हम इनको बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस भी बोलते हैं. उसके साथ मैंने आपके इसका स्ट्रक्चर शेयर किया, हमने कहा हेड है और टेल, हेड की क्या कंपोजिशन है, टेल की क्या कंपोजिशन है, मैंने सारी डिटेल आपके साथ इनकी स्ट्रक्चर की शेयर किया. आई होप आपको ये बैक्टीरियोफेज वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इनके लाइफ साइकिल्स डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर वीडियो में. सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर वीडियो. इफ यू दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज. सो ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़.